हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सखी चंद कुमार, मैं अज तुहाडे सामने 8वीं जमात का बायमंथली नवंबर दिसंबर का साइंस पेपर लेकर आया हाँ। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हाँ। इस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स होंगे 20। सो पहला क्वेश्चन देखते हाँ, कोला ते पेट्रोलियम देश हैं। सो दे उत्तर देख लेंगे हाँ आप। कोला ते पेट्रोलियम पथराट बालन है ना। सो आपां अगे करते हाँ, अंतर शावे ग्रंथियां हारमोन नू सीधे डैश विच छड़ दियां हैं। सो इहदा उत्तर तुसी आप कर लियो ते कमेंट विच जरूर दस दियो इहदा उत्तर की आ। सो अगला क्वेश्चन करते हैं, दोवें हत्थां नू रगर नाल रगर कारण डैश पैदा होंदी है। सो इहदा उत्तर वेखदे हाँ, सीधा तुसी वेख सकते हो। तीसरे नंबर ते दोनों हत्थां नू रगर नाल रगर कारण गर्मी पैदा होंदी है। सो आपां अगले करते हाँ। सो चौथा, हर्ट्ज की इकाई की है। सो इहदा उत्तर वेख लैंदे हाँ। सो इहदा डी दा देख सकते हो, हर्ट्ज आवर्ती की इकाई है। सो आवृत्ति उहदा लिख सकते हो। सो हुण अगे करते हाँ, तूनी दे तिखेपन नू डैश कहिंदे हन। सो इहदा तां वेख लैंदे हाँ। सो तुसी देख सकते हो जी दे, तूनी दे तिखेपन नू खिच कहिंदे हन। सो आपां अगला करते हाँ, अंडाणु दा शुक्राणु द्वारा निश्चेचन होण ते डैश बनता है। सो इहदा तुसी लिख सकते हो युग्मज। सो तुहानू विखात भी देंदे हैं किस तरह का क्वेश्चन आ। सो मैनू आ लभिया सीगा, तुसी वेख सकते हो कि शुक्राणु अते अंडे दे मेल तो की बनता है। सो इहदा उत्तर हो जाना युग्मज। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही होणगे। सो तुसी लिख सकते हो युग्मज। सो आपां अगले करते हैं, सत्तवां वेखदे हैं, अंडकोश टेस्टोटीटोन हारमोन उत्पन्न करता है। सो इहदा तुसी सही लिख सकते हो। सो आपां अगले करते हैं, तेल अते स्नेहक लगाउण नाल रगर कट जाती है। सब वेख लेंदे हैं। दूसरे वाला तुसी देख सकते हो, तेल अते स्नेहक लगाउण नाल रगर कट जाती है। इहदा ट्रू हो जाना मतलब सही। सो आपां अगले करते, सो नौवां, शक्कर रोग किस हारमोन की घाट कारण हुंदा है। एस्ट्रोजन टेस्टोटीटोन इंसुलिन थारकराक्सिन। सो इहदा उत्तर होणगे ईडी इंसुलिन। शक्कर दा रोग घट कारण हुंदा है ते इंसुलिन हुंदा है। तूनी दी डैश उस दे आयाम ते निर्भर करदी है। सो इहदा उत्तर वेख लैंदे हां। ऑप्शन बी है इहदा दित्ता, गति प्रबलता पिच स्रोत। सो इहदा वेख लैंदे उत्तर। सो तुसी वेख सकते हो, तूनी दी डैश उस दे आयाम ते निर्भर करदा है। सो इहदा उत्तर होणगे प्रबलता। सो आपां अगले करते हैं, 11वां क्वेश्चन है, हेठ लिखिया दी व्याख्या दियो। अवृत्ति अवर्तकाल। सो इहदा वेख लैंदे उत्तर। सो तुसी वेख सकते हो, आवर्ती एक सैकेंड विच होण वालियां डोलना जां कंपना दी संख्या नूं डोलन दी आवर्ती कहा जांदा है। अवर्तकाल वस्तु वल्लों एक डोलन पूरा करन लई लए समय नूं उस दा आवर्तकाल कहा जांदा है। सो आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। सो 12वां क्वेश्चन करते हैं आपां, असीं सर्दियां विच अपने हाथ क्यों रगड़दे हाँ। सो 12वें दा तुसी वेख सकते हो, असीं सर्दियां विच अपने हाथ क्यों रगड़दे हाँ। उत्तर आ, असीं सर्दियां विच अपने हाथ रगड़दे हाँ क्योंकि रगर नाल गर्मी पैदा हुंदी है अते साडे हत्थां नाल कटिया होया तापमान बढ़ जांदा है। सो आपां नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की परिभाषा दियो।
सो तुसी वेख सकते हो तेरे में दा किशोर अवस्था की परिभाषा दियो। सो दत्तर वेख सकते हैं किशोर अवस्था जीवन का वह पड़ाव है जिस विच कुछ शरीरक परिवर्तन नाल मनुख हौली हौली प्रजनन कर सकन दी अवस्था विच पहुँचता है। किशोर अवस्था 10 या 11 साल की उम्र तो शुरू हो के 18 या 19 साल की उम्र तक हो सकती है। सो आप अगले क्वेश्चन देखते हैं के कते कोल तार दे उपयोग लिखो। ये 13वें का जहाँ बिचो है के कते कोल तार दे उपयोग लिखो। सो यदा उत्तर वे देख लेंगे इन्ह दोनों बिच अभी कोई कर सकते हो। हाँ कोक दे उपयोग ई बालन दे तौर पर वरतिया जाता है। तो दूसरा इसका उपयोग ताता दे निश्चिकरण विच किया जाता है। तो तीसरा इसका उपयोग शटिल दे निर्माण विच किया जाता है। चौथा पॉइंट ई लघु कारक दे तौर पर वरतिया जाता है। तो पंजवा पॉइंट इस नाल वाटर गैस बनाई जाती है। कोला तार दे उपयोग फर्स्ट पॉइंट है इस नाल संश्लित रंग बनाए जाते हैं सॉरी संश्लित रंग बनाए जाते हैं। सो दूसरा पॉइंट देख सकते हैं इसका उपयोग पेंट अते फोटोग्राफी पदार्थ बनाने लिए की जाती है। सो तीसरा पॉइंट देखते हैं इस नाल विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। तो चौथा पॉइंट देखते हैं इस नाल नेफथलीन दियां गोलियां बनाई जाती हैं। तो पंजवा पॉइंट इस नाल छत निर्माण समग्री बनाई जाती है। सो आप अगले करते हैं 15वां क्वेश्चन शोर प्रदूषण के स्रोत किरे किरे हैं। सो इहदा उत्तर देख लेंगे हैं। सो उत्तर देख सकते हो शोर प्रदूषण के स्रोत इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है आवाजाही के साधन के राहन हारन। तो दूसरा पॉइंट पखे अते कूलर की धुनी। तो तीसरा पॉइंट है लाउड स्पीकर की धुनी। चौथा पॉइंट है टेलीविजन की तेज धुनी। तो पंजवा पॉइंट पटाखिया की धुनी। तो छेवा पॉइंट विद्यार्थियों के रोले की धुनी। तो सतवा पॉइंट मशीना की धुनी। सो आप चलते हैं अपने पेपर से। सो तुम देख सकते हो पेपर 15 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन करा दिते हैं। सो अगले पेपर दे ले वीडियो नू लाइक अते चैनल नू सब्सक्राइब कर लियो। सो मिलते हैं अगले वीडियो से। थैंक यू।